अभी गुलाम के नियम में हमने देखा कि बाह्य निर्वात में बिंदु आवेशों के मध्य लड़ने वाला सीजेस पद्धति में आवेश का एक और मात्रक होता है, आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है।
आवेश का विद्युत चुंबकीय माध्यम, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, जिसको कि हम शॉर्ट में EMU भी लिखते हैं, और ये होता है एब कूलम्ब। तो सीरियस पद्धति आ रही, इसका दो प्रकार का मात्रक है, एक है स्थिर विद्युत मात्रक इसका एब कूलम्ब, दूसरा है विद्युत चुंबकीय मात्रक एब कूलम्ब, और ऐसे ही पद्धति मात्रक क्या है कूलम्ब। अब इनके आपस में क्या रिलेशन है, तो एक कूलम्ब बराबर होता है 3×10⁻⁹ स्क्वायर कूलम्ब, और एक कूलम्ब बराबर होता है 1/10 एब कूलम्ब। तो उसका सर लिख सकते हैं कि एक कूलम्ब बराबर 3×10⁻⁹ स्क्वायर कूलम्ब बराबर 1/10 एब कूलम्ब। यहां से एक एब कूलम्ब बराबर, एक एब कूलम्ब बराबर, एक एब कूलम्ब बराबर हो जाएगा 10 कूलम्ब बराबर, इससे गुणा करके लिखेंगे तो होगा 3×10⁻⁹ स्क्वायर कूलम्ब, एक एब कूलम्ब बराबर 10 कूलम्ब बराबर 3×10⁻⁹ स्क्वायर कूलम्ब। इतना समझ में आया?